Alright, if you are searching for a gaming mouse, or I can say a best gaming mouse, or I can say a best wireless gaming mouse, then this video is for you. So in this video I am going to unbox this Logitech G304. तो ये 2018 का लॉन्च है, लेकिन मैंने 2021 में लिया, उसके रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स, रिव्यू एंड कंपेयर एंड बहुत सारी चीज़ें. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ऑलराइट, तो सबको पता है कि अनबॉक्सिंग करना एक यूट्यूबर का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ. तो अभी करके इसको अनबॉक्स. सबसे पहले ऐसा कुछ बॉक्स पैकेजिंग है इसका, छोटा सा डब्बा है रे, मुझे लगा बड़ा होगा थोड़ा बहुत. तो इधर G304 का ब्रांडिंग है, इधर साइड में कुछ QR कोड दिया है, पीछे प्राइस लिखी है 3795, लेकिन ये मैंने डील में परचेस किया है 2995 में. लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक चेक कर लेना आप लोग. अभी देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है. ऑलराइट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़र मैनुअल वो सब, लेकिन हमें इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है. ये इसके अलग अलग मॉडल जो है उसके बारे में, कलर अवेलेबल है लेकिन इंडिया में नहीं है इसके मॉडल, इसके कलर. तो G304 और 305 सेम चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होना. इंडिया में सिर्फ इसका नाम G304 है, बाकी बाहर 305 है. तो ये चीज़ है, स्टिकर है लॉजिटेक का. आई डोंट थिंक आई एम गोना यूज़ दिस. ये केबल है, ये किसके लिए है कि आपका जो रिसीवर है वो अगर बहुत दूर है तो शायद लेटेंसी ज़्यादा हो सकती है इसकी, इसके लिए ये केबल है. तो आप इसको एक्सटेंड करके इधर रिसीवर लगा दो तो लेटेंसी में, अगर आपका CPU बहुत दूर है तो. मेरा इसका कुछ सीन नहीं, एकदम बाजू में CPU है मेरा. ये बैटरी है, ड्यूरासेल की बैटरी है, नॉट फॉर रिटेल, मेड इन चाइना, ऑफलाइन बैटरी, डबल ए बैटरी है. बैटरी लाइफ के बारे में वो सब बातें करेंगे हम लोग. और ये है माउस, बहुत ही हल्का है रे, विदाउट बैटरी तो बहुत ही हल्का है. ऐसा कुछ दिख रहा है, इधर लोगो है, इधर DPI का बटन है, ये स्क्रॉल व्हील, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, एंड ये दो बटन. तो टोटल इसमें 6 बटन्स हैं. नीचे इधर ये इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली नहीं पता. इधर सेंसर है, इसका सेंसर के बारे में बात करें तो हीरो सेंसर है इसका, 12,000 तक की DPI है इसमें. जो मैं पुराना माउस यूज़ कर रहा था ये था मेरा लॉजिटेक G402 हाइपर फ्यूरी, तो इसमें कुछ सेंसर 4,000 के तक की है उसका ये DPI, तो उसका कंपेयर हम बाद में करेंगे. तो ऐसा कुछ सीन है इसका. इधर एक कंपार्टमेंट है जहाँ आपकी बैटरी लग जाएगी, यहाँ आपकी बैटरी लग जाएगी, और इधर आपका रिसीवर है. निकल जा भाई, ये आपका रिसीवर है. चुटकू सा फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो इसको अगर आपको मतलब अगर आपका PC दूर है तो इसको इधर अटैच करके आप लोग इसको पास में ला सकते हो, ऐसा कुछ सीन है इसका. लेकिन अपने को ये कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी. तो बैटरी लगाने के बाद भी इसका वेट इतना कुछ नहीं है. इसका वेट इसमें लिखा है 99 ग्राम्स या ऐसा कुछ है. तो 99 ग्राम इसका वेट है. ये थी अनबॉक्सिंग, और अब हम लोग कुछ टेक्निकल बातें करेंगे. जितना मुझे पता है उतना मैं आपको दिखाऊंगा. कैमरा पहले नीचे ला लेते हैं, ये अपना सस्ता वाला टॉप एंड शॉट मैंने लगाया था. सो वी आर बैक. तो अभी बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में. तो कंपेयर टू माई ओल्ड माउस, थोड़ी सी साइज़ इसकी छोटी है थोड़ी सी, लेकिन इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, चला लूँगा मैं. एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है. जो प्लास्टिक जो भी इसमें यूज़ हुआ है वो अच्छा वाला प्लास्टिक यूज़ हुआ है. बटन की बात करें तो 6 प्रोग्रामेबल बटन है, लेफ्ट राइट आपका स्क्रोल व्हील, और एक DPI शिफ्टर है. आप इधर से 4 तक की कुछ DPI, 4 लेवल तक की DPI चेंज कर सकते हो. एंड लेफ्ट साइड पे 2 बटन है, आप इसको कोई भी तरह अपना जो भी आपको लगे उस पर ऑन कर सकते हो. ठीक है, तो ये थी पहली बात. कुछ टेक्निकल बात करें तो ये लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी है, हीरो सेंसर है इसमें, मतलब कि जो आपको लैग मिलेगा, लैग मिलता है जो नॉर्मल माउस में, जो कि मेरे पास था, ये पता नहीं लॉजिटेक का कौन सा मॉडल है, लेकिन बहुत पुराना मॉडल है. मैं पहले से लॉजिटेक माउस एंड कीबोर्ड में लॉजिटेक पे ट्रस्ट करता हूँ. तो ये वीडियो तो स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन अगर लॉजिटेक को लगता है स्पॉन्सर तो कॉन्टैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में. तो बात करते हैं कि सेंसर की, तो इसमें हीरो सेंसर है. मैं जो पुराना माउस यूज़ कर रहा था उसमें हाइपर फ्यूरी 402 माउस था, उसमें पता नहीं कौन सा सेंसर था, लेकिन वो 4000 DPI तक की था. इसमें 12000 DPI तक का है, 12000 DPI ऐसे कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी होना अच्छी बात है.
तो अगर इसके वेट की बात करें तो इसका 99 ग्राम वेट है, जो कि मुझे नहीं लगता इतना कुछ ज़्यादा है। अगर डबल ए बैटरी यूज़ करो तो ट्रिपल ए बैटरी भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा जुगाड़ सेट करके, तो उसका वेट कुछ 88 ग्राम के अराउंड हो जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से मुझे ये वेट बराबर लगता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो 250 आवर्स की बैटरी कंपनी ने बोला है कि 250 आवर्स तक चलेगी। तो अभी आप इसमें पूरा आर्यभट्ट बन के मैथ मत लगाना कि 250 डिवाइड बाई 24 कर देंगे तो 10 के अराउंड आएगी, ऐसा नहीं कि 10 दिन ही चलेगा, क्योंकि आप 24 आवर तो यूज़ करने वाले नहीं हो, ठीक है, 3-4 घंटे मैक्सिमम यूज़ करोगे गेमिंग के टाइम। तो ईजिली आपकी, मैंने रिव्यू में देखा था तो लोग बोल रहे थे कि 6-7 महीने ईजिली चलती है, तो वो मैं डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करो क्या यूज़ करो, आपको बता दूंगा जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट करना। अगर अब आज के दिन नहीं मतलब थोड़ा टाइम बाद वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करना मेरी बैटरी चल रही है कि नहीं, बता दूंगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बैटरी लाइफ की बातें। इसके एक सॉफ्टवेयर आ रहा है लॉजिटेक जी हब करके, जिसके बारे में आप लोग को मैं बता दूंगा। ये इसका कुछ सॉफ्टवेयर है, इसमें आप लोग अलग अलग से आपके माउस कीबोर्ड जो भी इसमें आ जाएंगे। ये मेरा G402 का है, इसमें मैंने कुछ बाइंड करके रखा है, ये कीबोर्ड का है और ये माउस का है। तो इसमें आप 4 लेवल तक की DPI सेट कर सकते हैं। अगर आप इधर से चेंज करेंगे DPI तो ये 1600 या 3200 400 800 ऐसा करके, मतलब येलो ब्लू पे है तो 800 है, येलो पे 1600, पिंक पे 3200 ऐसा कुछ सेट है इसका। तो वो आप लोग इधर से चेंज कर सकते हो आपको जो भी सेट करनी है। ये थी पहली बात। फिर ये था बटन के बारे में, तो इधर आपको जो भी बटन के जो भी सेट करना है, लेकिन इधर फॉरवर्ड बैकवर्ड है। मैं गेम में, मैं मोस्टली एपेक्स लेजेंड खेलता हूँ तो एक बटन पे रखता हूँ अल्टीमेट और एक बटन पे रखता हूँ अपना ग्रेनेड व्रेनेड वो सब, तो वो आप इधर से सेट कर सकते हैं इजीली। इस माउस में पावर मोड करके भी सॉफ्टवेयर में है, जिसमें आप लोग हाई परफॉर्मेंस एंड लो एंड्योरेंस दो मोड आते हैं। लो एंड्योरेंस पे क्या होगा कि आप लोग की बैटरी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी और इसका जो रिस्पांस टाइम है 1 मिलीसेकंड का है वो थोड़ा कम होकर 8 मिलीसेकंड के इसका अराउंड हो जाएगा। और अगर आप हाई परफॉर्मेंस में यूज़ करें तो बैटरी लाइफ थोड़ी आपकी नॉर्मल हो जाएगी, मतलब थोड़ा कम चलेगी कंपेयर टू लो मोड। तो लेकिन गेम के टाइम आप लोग यही मोड यूज़ करो, मैं तो यही मोड यूज़ करने वाला हूँ, मैं एक्स्ट्रा बैटरी लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसके बारे में, ख़त्म हो जाएगी नहीं लगा लेंगे, लेकिन हाई पे यूज़ करूँगा मैं। और गेम के टाइम आप ये हाई पे यूज़ करो, ये चीज़ अच्छी रहेगी थोड़ी। तो अगर रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू हम ऐसे बिना यूज़ किए दे नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगा आज मैं इसे यूज़ करूँगा, गेम भी खेलूँगा और एडिट वेडिट भी कर लूँगा, ये जो आधा वीडियो बना वो एडिट कर लूँगा। तो आपके लिए तो अभी आ जाएगा 2-3 सेकंड में, लेकिन मैं इसको ट्राई करता हूँ अभी, लेट्स सी। ऑल राइट, सो वी आर बैक। साला कल लाइटिंग वाइटिंग अच्छी सेट हुई थी, आज ठीक ठाक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो भाई कल ये माउस मैंने यूज़ किया, आज भी यूज़ किया, मैंने गेम के लिए एपेक्स लेजेंड, आपको लास्ट में दिखा दूंगा वो सब चीज़ें, मतलब कैम के साथ, एंड एडिट किया ये वीडियो हाफ तक और बाकी नॉर्मल जो यूट्यूब अपने देखते रहते हैं। तो वैसे ये माउस अच्छा है कंपेयर टू माई ओल्ड माउस, सिर्फ एक की ड्रॉबैक मुझे लगा, सबसे पहले अनबायस रिव्यू होगा, मुझे कुछ लॉजिटेक ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैंने खुद खरीदा है एंड वो भी डील में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एकदम एक्चुअल रिव्यू दूंगा, जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कुछ एडवांटेज की बात करते हैं, तो ये वायरलेस है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ वायरलेस थिंग। ये वायरलेस कीबोर्ड सिर्फ वायरलेस नहीं अपने पास, तो ये सीन है कि वायरलेस का मैं फ़ैन हूँ, तो मुझे वायरलेस बहुत ही लाइक, ये एक ऐसी चीज़ है मतलब एकदम फ्रीडम, आप लोग फ्लिक मारो ऐसे जोर जोर से एपेक्स जैसे गेम में बहुत माउस घुमाना होता है ऐसे, तो वो एकदम इजीली आप लोग इससे कर सकते हो, जो कि वायर्ड माउस में वो थोड़ा आपका मतलब हो जाता है, लगता है इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता चलता है कभी कभी कि यार ये वायर नहीं होता तो थोड़ा अच्छा रहता है, तो एक छोटा सा चीज़ है। एंड बाकी सब सेंसर वेंसर तो एकदम बढ़िया ही, आपको पता ही है कौन सा लेवल का सेंसर है, हीरो लेवल का सेंसर है, वो सब चीज़ें तो एकदम नॉर्मल है। 12,000 DPI आप लोग जितनी DPI यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। तो ये थी कुछ प्रोज। अब कुछ कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले फॉर माय हैंड, थोड़ा सा मेरे पुराने माउस से थोड़ी सी इसकी साइज़ छोटी है, लेकिन इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, थोड़े एक दो दिन में आ जाएगा, तो एक ही दिन यूज़ किया, एक दो दिन में आ जाएगा, वो भी हाथ सेट हो जाएगा अपना। एंड दूसरी बात कि इसमें ग्रिप नहीं है, ग्रिप बहुत कम है, लाइक आप इस साइड देख रहे हो नो ग्रिप, ये साइड भी कोई ग्रिप नहीं है ना इस पर, जबकि मेरे पुराने माउस की जो बॉडी थी तो ये रबर बॉडी है, रबर मतलब ये इतना जो पार्ट है ये प्लास्टिक का है, बाकी ये सब रबर का पार्ट है, ये भी रबर का पार्ट है, इधर आप देख सकते हो ये घिस भी गया है, छेद हो गया इधर,
तो ये रबर का पार्ट था तो ये ग्रिपिंग में थोड़ा अच्छा लगता था मुझे, लेकिन इसमें अगर मैं कुछ ग्रीप व्रीप मिल जाएगी अमेज़ोन पे तो वो लगा दूंगा, तो वो इसमें भी ये अच्छा हो जाएगा। तो मुझे कुछ खास इतना फ़र्क नहीं लगा, और 23,000 रुपीज़ में आप क्या कुछ ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर कुछ अच्छा एकदम चाहिए तो फिर आपको खर्चने पड़ेंगे 10,000 रुपीज़, जो कि लॉजिटेक का वो कौन सा माउस है, डी प्रो एक्स ऐसा कुछ माउस है ना उसके लिए। तो ये थी कुछ चीज़ें। तो अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं मेरे पुराने माउस से, जो G402 था मेरा हाइपर फ्यूरी, इससे कंपेयर करते हैं। तो साइज़ आप लोग देख लो सबसे पहले, तो अगर आप 402 यूज़ कर रहे हो तो, या 502, 502, 502 सही, इस पर कोई नहीं आएगा शायद। तो साइज़ का डिफरेंस है, इतना तो साइज़ का डिफरेंस है। बटन्स की बात करें तो मेरे पुराने माउस में 402 में 8 बटन थे, 1, 2, 3, इधर 4, 5, 6, 7, 8, इधर भी बटन है, फोकस कर ले भाई। टोटल 8 बटन थे मेरे पुराने माउस में, इसमें 6, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मैं सिर्फ DPI के लिए ही यूज़ करता था। इन गेम में ये 2 बटन नहीं यूज़ करता था, मैं ये ही यूज़ करता था, और ये वाला इधर गया, ये वाला, तो ये गेम में इन गेम तो नहीं यूज़ करता था, DPI के लिए यूज़ करता था, और इसमें DPI के लिए बीच में बटन है, तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा इसके बारे में। एंड दूसरे कंपेरिजन में तो क्या, ये वायर्ड है, ये वायरलेस है, तो वायरलेस भाई कुछ अलग ही फील देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वायरलेस मज़ा आता है ऐसे एकदम फ्रीली, आप दूसरे घर में जाके भी चला सकते हो, इट्स इजी। तो ये थी कंपैरिजन छोटी सी, नॉर्मल सी, मैं कोई इतना प्रोफेशनल रिव्यूअर या ये नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छी आप लोग को रिव्यू दूँ। बाकी प्राइस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, अगर सेल है तो आप लोग को 3,000 के अराउंड मिल जाएगा, और सेल नहीं भी है तो भी 3,300 से 3,500 में मिल जाएगा ये माउस, उसकी प्राइस इतनी है। तो मैंने तो सेल में उठाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार आप लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक से परचेस करने के 2 फायदे, एक आपका एक मेरा। आपका फ़ायदा है कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट पर जाओगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिल जाता है इसका, एंड वो सेलर क्या है कौन सा है, तो अगर किसी को नहीं पता, तो अगर आप जानते हो, आप लोग रेगुलर परचेस करते हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं रेगुलर परचेस करता हूँ, मुझे पता है क्या क्या सेलर क्या क्या सीन है, तो इसलिए मैं जो लिंक दे रहा हूँ उससे परचेस करोगे तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगी, पहली बात ये। और दूसरी बात कि अफिलिएट लिंक है तो वो फ़ायदा मेरा है, दूसरा फ़ायदा मेरा अफिलिएट लिंक है तो मुझे 5-10 रुपये मिल जाएंगे उससे, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5-10 रुपये में कोई करोड़पति नहीं बन जा रहा, ठीक है। ये था रिव्यू, कंक्लूजन में कुछ देने लायक कुछ खास है नहीं, आप लोग को सबको मैंने बता दिया है। नॉर्मल मैंने अपग्रेड किया है 402 से, तो इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सेंसर थोड़ा चेंज है और वायर और वायरलेस का फ़र्क है, लेकिन आप लोग कुछ एकदम बेसिक माउस से अपग्रेड करना चाह रहे हो, आपका बजट नॉर्मल है और आपको वायरलेस माउस चाहिए, तो आप इस पर अपग्रेड कर सकते हो, एंड अच्छा बजट है तो आप 502 या फिर अपना जी प्रो एक्स में जा सकते हो। तो इट्स ऑन यू, आपका बजट क्या है, क्या सीन है, कौन सी गेम कैसा खेलता हूँ। मैं एपेक्स लेजेंड खास मेनली खेलता हूँ, तो वायरलेस माउस पे अभी मज़ा आएगा खेलने में, मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी 1-2 दिन लगेंगे हाथ बैठाने में, ये तो एक ही दिन यूज़ किया है, तो देखते हैं आगे लाइव स्ट्रीम में करता रहा, उधर आके आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। एंड अभी एंड करते हैं ये वीडियो इधर ही, ठीक है, बहुत टाइम के बाद आया मैं वीडियो बनाने के लिए, वैसे भी अभी तो कुछ एग्जाम वैग्जाम चल रहे हैं, लाइव स्ट्रीम भी अभी स्टॉप ही अपनी, तो देखते हैं आगे क्या होता है सीन, ठीक है। सो एंड करते हैं ये वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।